हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रूपा और आज मैं आ गई हूँ एक बीबी प्रोडक्ट के रिव्यू देने के लिए। तो आज मैं कौन सा वाला बीबी प्रोडक्ट के बारे में बोलने वाली हूँ, हाँ वो है फेयर एंड लवली का बीबी क्रीम। ये एकदम मिनी पैक है जो बाजार में बहुत ही ईजीली अवेलेबल है, वही है 40 रुपीज़ का एक पैक है, तो वही मैं खरीद के लाई हूँ। और क्या है ना, मैं उतना ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार यूज़ करना पड़ता है, तो इसके लिए मैं इसका रिव्यू बना रही हूँ। मैं यूज़ करके फ़ायदा मेरे को मिला है, तो इसलिए मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ कि कैसे यूज़ करना चाहिए और फ़ायदा क्या क्या मिलेगा। अगर आप लोगों का ऑयली स्किन है तो मैं बता देती हूँ कि ये बीबी क्रीम आपके लिए बेस्ट है। अगर नहीं है फिर भी बेस्ट है, लेकिन ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। इसके बाद आ जाती हूँ, ऐसे कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में आते हैं 40 रुपीज़ में, ऐसे एक छोटा क्यूट वाला एक मिल जाएगा आपको 40 रुपीज़ में, शायद 9 ग्राम प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जा रहा है। तो बहुत ही अफोर्डेबल है, बाजार में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसा है कि रोज़ दिन मेकअप करना पसंद नहीं करते, कभी कभी एक आध दिन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट ही बेस्ट है। इतने कम प्राइस में तो और कोई बीबी क्रीम मिलेगा भी नहीं है। तो आ जाती हूँ कैसे यूज़ करना है, बेनिफिट्स क्या क्या है। फर्स्ट में जैसे बोल दिया, जिन लोगों को ऑयली स्किन है ना उन लोगों के लिए बेस्ट है। हाँ ये सच बात है, क्योंकि ऑयली स्किन वाले के जो भी बीबी क्रीम यूज़ करें ना, उन लोगों को बस ऐसा लगता है कि पसीना आ रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा है, ऐसे मेकअप ख़राब हो रहा है, ऐसे बीबी क्रीम ऐसे पिघल रहा है, ये कुछ भी नहीं होंगे। बस फेस को बहुत अच्छे से फेस वॉश से क्लीन कर लेना, एक टोनर लगा लेना, उसके बाद कुछ भी नहीं, बस क्रीम अप्लाई कर लेना, हो जाएगा फेयर एंड लवली बीबी क्रीम। तो ऑयली स्किन वाले के लिए तो हो गया, और बाकी स्किन वाले लोग कैसे यूज़ करेगा। बाकी स्किन वाले लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, फर्स्ट में फेस को फेस वॉश से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद टोनर लगाइए, उसके बाद एक मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। मॉइस्चराइजर कौन सा वाला बेस्ट होगा, ये भी क्वेश्चन रहता है। तो बेस्ट होगा बेबी क्रीम। जैसे कि बाजार में बहुत सारे बेबी क्रीम अवेलेबल है ना, वो बेबी क्रीम अगर आपके घर में भी अवेलेबल है तो वो फर्स्ट में अप्लाई कर लीजिए, 5 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद बेबी क्रीम को अप्लाई कीजिए, तो देख लेना। मैं बोल सकती हूँ कोई भी मेकअप करने से जैसा लुक आ रहा है उससे और इसके अंदर फर्क उतना ज़्यादा नहीं आएगा, मैं बोल सकती हूँ। डार्क सर्कल रह जाते हैं कभी कभी, उस जगह में थोड़ा सा फर्स्ट में ऐसे डैप करके लगा लीजिए, ऐसे हाथों की उंगली की मदद से, इस उंगली की मदद से लगा लेना, ऐसे डैप करके करके, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा काम, कुछ भी और यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, कोई भी ब्लेंडर ब्रश कुछ भी घर में अगर नहीं है, जरूरत भी नहीं है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। और ये एक ही शेड में मिलता है, लेकिन इंडियन स्किन टोन के लिए मैं बोल सकती हूँ और शेड का जरूरत भी नहीं है, हर एक शेड के लिए ही बनाया है, ऐसा ही प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर खरीदिए और एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए कि कैसा लगता है, क्योंकि मैं यूज़ करी हूँ और मैं आप लोगों के साथ वही बात शेयर कर रही हूँ जो मेरे को फ़ायदा मिला है, जो मैं देख चुकी हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगी एक बार ज़रूर खरीदिए, अगर अच्छा लगे मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।